भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना ने बुधवार को अपराह्न में कोटा में पत्रकार वार्ता संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में युगांतरकारी परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा है। पत्रकार वार्ता से पूर्व जीएमए सभागार में भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महामंत्री भडाना का स्वागत किया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भडाना ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की भजनलाल सरकार के 9.5 महीने पूरे हो गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने घोषणापत्र के 50% से अधिक वादे पूरे कर दिए हैं। आज राजस्थान पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की पेपर लीक और बीमारू प्रदेश के अभिशाप से मुक्त हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बार का जो बजट माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बजट की घोषणा हुई और पहली बार देखने को मिल रहा है कि बजट की हर 3 दिन के अंदर वीकली समीक्षा होने का काम हो रहा है। मैं आपको पत्रकार वार्ता के माध्यम से भरोसा दे रहा हूं मीडिया बंधुओं को कि इस बार जो बजट घोषित हुआ है, अगले बजट से पहले पहले पूरा बजट जो घोषणा हुई है वो धरातल पर उसको अमलीजामा फैलाने के लिए राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार तब संकल्पित है। राजस्थान की भजनलाल जी सरकार ने ऐतिहासिक रूप से निर्णय लेते हुए तय किया है कि राजस्थान की जो 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाकर 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का निर्णय संकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने लिया है। भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की भाजपा सरकार गरीब को गणेश मारकर अंत्योदय के भाव से हर क्षेत्र में, चाहे युवा हो, गरीब हो, किसान हो, सबके हितों का ध्यान में रखते हुए सरकार काम कर रही है। बिजली के क्षेत्र में को ठीक करने के लिए, चाहे वह खाद्य सुरक्षा के माध्यम से उज्ज्वला योजना में जुड़े हुए लोगों को 450 रूपये में सिलेंडर देने का विषय हो, SIT गठित करने का विषय हो, युवाओं को रोजगार देने की दिशा में अभी आपने 2 दिन पूर्व कैबिनेट की बैठक के माध्यम से 60,000 चतुर्श्रेणी की भर्ती परीक्षा की घोषणा करते हुए युवाओं को रोजगार देने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार गरीब को गणेश मानकर राजस्थान को पुनः एक विकसित राजस्थान की श्रेणी में खड़ा करने के लिए कर सकते हैं। बोर्ड के बारे में, देवनारायण बोर्ड के माध्यम से राजस्थान में इस बार मैं मुख्यमंत्री जी को इस आप सबके माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि जिस प्रकार देवनारायण बोर्ड के माध्यम से MBC वर्ग के हितों के लिए, उनके सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए देवनारायण बोर्ड काम करता है, इस बार के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवनारायण बोर्ड को 150 करोड़ का अतिरिक्त बजट देकर MBC वर्ग के हितों को ध्यान में रखने का काम किया। देवनारायण बोर्ड के माध्यम से MBC वर्ग में आने वाली तमाम जातियों के बच्चों के और युवाओं के भविष्य के लिए बोर्ड काम करता है। भजनलाल जी के नेतृत्व में देवनारायण बोर्ड MBC वर्ग के युवाओं के हितों के लिए सदैव खड़ा रहेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस धरती पर अवतरण हुआ 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र नेतृत्व द्वारा सेवा पखवाड़ा की कड़ी में कई कार्यक्रमों सेवाबद्ध तरीके से क्रमबद्ध तरीके करने का हम सभी ने निर्णय लिया था। उस कड़ी में लगातार कहीं पर वृक्षारोपण, कहीं पर फल वितरण, कहीं पर भोजन वितरण, ऐसे अनेकों सेवा के कार्य, कहीं शिक्षण स्कूलों में शिक्षा के हिसाब से डिक्शनरी के वितरण, ऐसे अनेकों बारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में काम करता है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का, जिनने इसे बढ़ चढ़ कर भाग लिया, आभार व्यक्त करता हूँ और देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी शतायु हो और हम सबको उनका ऐसे ही मार्गदर्शन और देश को उनका सम्मान करने के लिए हम सबको ऐसी पीड़ा मौका मिले, इसके लिए मैं बड़ी बता। हमारे बीच में आज छोटा बच्चे के लाड लगता है और जन जन के हृदय सम्राट जो सदैव किसी की कोई भी पीड़ा हो उसमें आगे बढ़ चुके हिस्सा लेते हैं, उनका इस कार्यक्रम में प्रधान रखा आपकी आभार व्यक्त करता हूँ। आज का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के संपुष्ट विनय जी योगी ने किया है, उनको भी मैं इसका साधुवाद देता हूँ। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अनिश्चय गोस्वामी जी इन कार्यक्रम में लगातार शरीक रही, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।